अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग अभी शुक्रिल्ला शाह बाबा के यहाँ हैं और बहुत ही सुकून की जगह है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए हमारे पीछे सीन, अभी थोड़ा धूप का वक्त है तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। शाम होते होते यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो बोलो आप भी। आप लोग पीछे का सीन देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है माशाल्लाह। और अभी मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखा रही हूँ, हमारे फैमिली के और मेंबर्स भी हैं तो मैं उनको दिखाऊंगी। और अभी हम लोग आ चुके हैं दरगाह के अंदर और ये है लेडीज का डिपार्टमेंट है। तो मैंने दिखाया, अभी बहुत ही ज़्यादा सुकून है, यहाँ अंदर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नमाज की जगह है, यहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ेंगे अभी। और मेरे साथ है तेरी छोटी सी प्यारी सी बेबी गुड़िया। और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब्दुल, अब्दुल रहमान, अली, और ये शुक्रुल्ला शाह बाबा का गेट है, पीछे का साइड है, बैक साइड सा। और यहाँ का ये मस्जिद का एरिया है तो यहाँ पर भी अभी बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुकून है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। हम लोग अभी शुक्रिल्ला शाह बाबा के यहाँ हैं और बहुत ही सुकून की जगह है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए हमारे पीछे सीन, अभी थोड़ा धूप का वक्त है तो इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। शाम होते होते यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप पीछे का सीन देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। तो अब्दुल, अब्दुल रहमान से है, अली, तो ये सारे लोग परिंदे को खाना खिला रहे हैं, दाना, तरीम। हमारे साथ शुक्रिल्ला शाह बाबा के यहाँ ये है मिस्टर सैफुद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और ये बहुत ही अच्छे राइटर भी है, पत्रकार हैं। तो आइए इनका इंटरव्यू लिया जाए, क्या बोलते हैं। हाँ, सैयद शुक्रुल्लाह शाह काजी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर आए हैं। यहाँ हमने उनके आस्थाने पर आकर सलाम किया, फातिहा पढ़ा। हमारे लिए इन बुजुर्गों के आस्थाने इबरत और सबक की जगह हैं, बुजुर्गों की ज़िंदगी को याद करते हैं और हमारी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी को बुजुर्गों के रास्ते पर चल कर
जिंदगी को कैसे मुअत्तर और रोशन किया था, हम अपनी जिंदगी में इनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को रोशन कर सकें ताकि दुनिया और आखिर की कामयाबी हासिल करें। सबक लेकर हम अपनी जिंदगी में इन्हें रोशन करें, मुअत्तर करें और आखिर की कामयाबी का रास्ता आपके हाथ। तो यहाँ देखिए सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खड़े हैं, बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा है। बच्चों को यहाँ पर ये एरिया, बच्चों का जो एरिया है, कबूतर है, इनको दाना डाल रहे हैं, ये एरिया में इनको बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना प्यारा सीन, ये देखिए। बैक साइड में देखिए बकरियों का एम भी है जो अंदर अभी बंद है। शकरुल्ला शाह बाबा की दरगाह से फारिग होकर हम लोग अक्सा बीच की तरफ अभी जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।